रिकॉर्ड तो नहीं हुआ माइक में? पक्की बात है ना? ठीक है फिर, ठीक नहीं जब बाहर गया हुआ था मैं, फिर ठीक है। कौन बोला? चलिए ये सवाल देख के आपको कुछ फीलिंग आई होगी, ये चंद माह पहले आप यही सवाल करके फेल हो गए हैं, ऐसा था? ये अगर सही, अगर ये सही हुआ होता तो पेपर पास ना होता। ये कौन कौन इस सवालों करके आया अभी रिसेंटली, हाथ खड़े करना। नहीं जो भी है करके आए, कौन कौन है जो, कौन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? सारे फर्स्ट टाइम आ जाए, और सही कह रहे हैं, माइट भी वहाँ भी ना किया हो तो फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं। चलें जी रिक्वायरमेंट स्टार्ट करते हैं। अंडर द प्रोविजन, ठीक है इतनी आराम से, कल तक यही होगा सिर्फ हमारा। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट टोटल इनकम। आपने क्या कैलकुलेट करना है? टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू चेंग फॉर टैक्स ईयर 2023। टैक्स ईयर 2023 के लिए आपने ये सारा कुछ कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर? उसने क्या, शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशंस, एक्सक्लूजन्स एंड डिसअलाउंसेस, ये सब कुछ आपने शो करना है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूमिंग द डेट इज 30 सितंबर, अभी हम ये पॉइंट इग्नोर कर रहे हैं, जब हम रिटर्न्स वाला चैप्टर पढ़ लेंगे वहाँ पे जाके इस पॉइंट की अप्लीकेबिलिटी होती है, बट एज ऑफ नाउ हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। द चेंग अ चाइनीज सिटीजन, एक चाइनीज भाई साहब, हैज़ बीन इन पाकिस्तान सिंस 2015, 2015 से पाकिस्तान में, पागल बेवकूफ। फॉर करियर ग्रोथ, अस्तग़फ़िरुल्लाह, यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा, ये यहाँ पे आ गया। सीपैक के लिए आया था ना, फिर तब्दीली आ गई, फिर ये भी हो गया बेरोजगार। अभी आले यूथ जो है बहुत जल रही होती है कि जिनके जख्मों पे नमक छिड़का जा रहा है, ये मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों की फिरौनियत तबाह हुई है, बहुत मज़ा आ रहा है, लिटरली सुकून मिल रहा है फिरौनों को ना रोते हुए देख के, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा अभी हम चेंग के पास चलते हैं। अभी चेंग जो आया था ग्रोथ के लिए जी, ही लेफ्ट हिज एम्प्लॉयमेंट विद होप लिमिटेड। वाह, वो जो जिस होप से आया था उसने उस होप लिमिटेड से क्या कर लिया, अपनी एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी है। एन अनलिस्टेड FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर कंपनी थी, उसको छोड़ दिया 30 सितंबर 2022 को। हमारा टैक्स ईयर कौन सा है? 2023। ये शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 2022 को, ख़त्म होगा 30 जून 2023 को। एंड ज्वाइंड अ लीडिंग चेन ऑफ होटल्स नेम डिज़ायर होटल, और उसने एक होटल ज्वाइन कर लिया ऑन 1 अक्टूबर 2022। द डिटेल्स ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून आर एज फॉलो, ये जो उसकी उसने हमें गिवन की है। जो उसकी होप लिमिटेड कंपनी है उससे उसकी सैलरी पर मंथ 3.5 लाख थी, मेडिकल अलाउंस 35,000 था, यूटिलिटीज अलाउंस जो है 20,000 पर मंथ था, लंच प्रोवाइड किया जा रहा था एट सब्सिडाइज रेट पर, कॉस्ट जो है थी वो 10,000 थी, कंपनी मेंटेन कार थी फॉर बोथ ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल पर्पज़, उसकी कॉस्ट ये थी और फेयर मार्केट वैल्यू जो है थी वो ये थी 30 जून 2023 को। एनुअल बोनस जो 2022 का था उसको इतना मिला था, ग्रेचुटी अंडर अनअप्रूव्ड उसको ये मिली है, ये उसने हमें बता दिया। और जो उसकी DH है डिज़ायर हॉस्टल होटल्स, उससे उसको ये तमाम बेनिफिट्स वगैरह मिले हैं, ये अभी कैलकुलेट करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो DH ने उसको दी है, जो बेनिफिट्स दिए हैं वो कौन से, टू रिटर्न एयर टिकट्स टू चाइना टू द एक्सटेंट ऑफ 6 लाख, कौन सी एयरलाइन होगी, ठीक है, फॉर चेंग एंड हिज स्पाउस, उसकी बीवी के लिए और उसके लिए 6 लाख की दो टिकटें, नहीं हम साय वाली की है यार, फिर चले मैं यहाँ तुझे ह्यूमन कहूँगा मैं आज के बाद।
नहीं ह्यूमन तुझे क्या ना, तू डिजर्व करता है। तस्वीर भी लगा दें उसकी, फिर यकीन होगा कि सर पर्दा, उसने पर्दा किया वो भी ख़त्म करवा दें। ड्यूरिंग द ईयर ही इनकर्ड ₹550 ऑन अकाउंट ऑफ हिज ट्रैवलिंग टू चाइना। उसको 6 लाख तक की टिकट हमने अलाउ की हैं, उसका कितना खर्चा आया है, 5.5 लाख आया है, तो ये सैलरी में ऐड करना है हमने। ₹750,000 रिसीव फॉर साइनिंग अ बॉन्ड विद DH अकॉर्डिंग टू विच चेंग कैन नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर 30 जून 2024। ये हम जितना भी अमाउंट है सारी क्या होती है सैलरी में ऐड हो जाती है। ₹400K रिसीव फ्रॉम DH एज अ कमीशन फॉर सिक्योरिंग अ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है उससे कितनी कमीशन मिली है, 4 लाख। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ ₹3.8 मिलियन बाई DH एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। चेंग हैड ऑब्टेन दिस इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम HL फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस ऑन 1 जुलाई 2019। द हाउस वॉज गिवन ऑन रेंट अंडर अ 5 ईयर रेंटल एग्रीमेंट एट एन एनुअल रेंट ऑफ ₹8 लाख। उसने ये जो घर है वो रेंट पे दे दिया है, ये उसने हमें प्रोवाइड किया है सारा कुछ। यार अगर आप लोग ये सवाल होते हुए पेपर में फेल हो गए हो ना, तो काबिल अफसोस से भी ऊपर वाली बात है। इतना आसान सवाल क्या किया पेपर में, इससे आसान क्या करेगा, इससे आसान क्या हो सकता है, इसमें कोई मुश्किल एडजस्टमेंट तो है ही नहीं। सर ये लंच वाला हमें नहीं पता था, ये तो आपने पढ़ाया है। ये सवाल करके फेल हुए हैं आप लोग। चलिए तो हो गया, अपनी सुनाएं जो फर्स्ट इस दफा होंगे वो सोचें। चलें जी आ जाएं। हाँ तूने कहा सर वो कंपेयर किसे करना है, हमने मिस्टर चेंग है। चलें इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको एहसास हो कि आप किस सवाल को करके फेल हुए हैं। रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, टैक्स ईयर कौन सा है, 2023। हमने इसकी इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है। आ जाए जी, इसके पास दो इंप्लॉयर्स हैं तो दोनों इंप्लॉयर्स का हम बेनिफिट्स कैलकुलेट करेंगे। पहले हम ले लेंगे बेनिफिट्स फ्रॉम HL, बेनिफिट्स फ्रॉम HL, उसको देखते हैं। अब उसने कब रिटायरमेंट ली है, उसे सितंबर में, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ्स के बेनिफिट हैं जो हमने यहाँ से लेके चलने हैं। इसकी सैलरी कितनी है पर मंथ, 3.5 लाख, तो हम ले लेंगे बेसिक सैलरी 3,50,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। उसके बाद है मेडिकल अलाउंस पर मंथ, और मेडिकल फैसिलिटी तो इसकी है ही नहीं, तो ये अलाउंस जो होगा नॉर्मल ही ट्रीट हो रहा होगा। मेडिकल अलाउंस कितना है, 35,000 पर मंथ है, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लेस करवाएंगे हम 10% ऑफ बेसिक सैलरी। उसके बाद है यूटिलिटीज अलाउंस पर मंथ कितना है, 20,000। यूटिलिटीज अलाउंस 20,000 पर मंथ है। उसके बाद लंच, ये टैक्सेबल है, सब्सिडाइज लंच कितने पर मंथ, 10,000 है ना, तो 10,000 इंटू 3 करेंगे। उसके बाद गाड़ी दी गई है फॉर बोथ पर्पस, कार की कॉस्ट क्या थी, 3 मिलियन, 3 मिलियन इंटू 5% इंटू 3/12 ये करना है अपने। उसके बाद एनुअल बोनस कितना है, 3.5 लाख का, ₹3,50,000, और उसको क्या मिले है, अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी, ठीक है, अन
अप्रूव्ड ग्रेच्युटी कितनी थी? 1225 122500 लेस होगा 75,000 ही बिकॉज रूल में और 50% ऑफ अमाउंट तो 75 लेस करवाएं कितना बनता है 11.5 1.15000 जरा सॉल्व करें कितना बनता है 315 × 3 1050 ये आ गया आपका 1050000 ये कितना बनेगा 105,000 इसमें से लेस किया 10% ऑफ बेसिक सैलरी कितना आएगा 105,000 ही आएगा मेडिकल अलाउंस में कोई चीज़ ऐड नहीं होगी यूटिलिटीज अलाउंस कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा लंच कितना आ जाएगा 30,000 का आ जाएगा और कार कितनी आ जाएगी 3,000,000 × 5% 37,500 इन सबको ऐड कर लें तो आपके पास प्रीवियस एम्प्लॉयर के बेनिफिट्स आ जाएंगे कितने बनते हैं 2677 रिसीट कब हुआ है सैलरी किसकी बेस पर टैक्स होती है इस साल ही मिल रहा है इस साल ऐड होगा 2677 ये प्रीवियस एम्प्लॉयर से बेनिफिट्स जो है वो इसको मिले थे अब इसने कर लिया जॉब स्विच अब हम कैलकुलेट करेंगे बेनिफिट्स फ्रॉम डीएच है तो यहाँ पे हम दो कॉलम जो है वो ले लेते हैं इसकी अब सैलरी यहाँ पे बनेगी 9 months की बेसिक सैलरी कितनी है 4.5 lakh per month है तो हम वो ले लेंगे बेसिक सैलरी 450,000 per month मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे उसके बाद मेडिकल अलाउंस कितना है 60,000 per month है हम वो ले लेंगे मेडिकल अलाउंस है हमारा 60,000 per month और इसमें से लेस कर देंगे हम 10% ऑफ बेसिक सैलरी उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे यूटिलिटीज अलाउंस दैट इज 30,000 per month हम वो भी लेस करवाएंगे यूटिलिटीज अलाउंस कितने 30,000 per month और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा लंच यहाँ पे जो लंच है वो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा रीज़न क्या है बिकॉज आपका एम्प्लॉयर कौन है यहाँ पे होटल है इसलिए ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा उसके बाद गाड़ी दी गई है बोथ पर्पज़ के लिए उसकी कॉस्ट क्या है 5 million है हम लें कार 5 million मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 9/12 करेंगे ये सारे हो गए बेनिफिट्स उसके बाद है टू रिटर्न एयर टिकट्स टू चाइना 6 lakh तक की उसको हमने अलाउ की हुई है कि हम आपको टिकट्स ले देंगे लेकिन इस साल इसकी एक्चुअल टिकट्स कितनी हुई हैं 5.5 lakh की तो एक्चुअल बेनिफिट है वही हम क्या ले लेंगे इसकी इनकम में लेके ऐड कर देंगे कितना है 5.5 lakh है तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे उसके बाद है 750 फॉर रिसीविंग का साइनिंग बॉन्ड तो वो जो उसको कॉन्ट्रैक्ट है साइनिंग आप बॉन्ड कितना है 7.5 lakh वो भी क्या हो जाएगा इसकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और इसके बाद क्या है 480 400 एज अ कमीशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट तो वो भी हम ले लेंगे कितनी मिली है कमीशन ये भी हम इसकी इनकम में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे उसके बाद है पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ रुपीज़ 3.8 million बाय डीएच ध्यान से पढ़े क्या हो रहा है डीएच ने जो इसका एम्प्लॉयर है उसने 38 lakh का लोन जो इसका था वो क्या किया है पे किया है एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे लोन खुद को इसको नहीं दिया इसने किसी से पहले लोन लिया हुआ था उसको क्या कर दिया 38 lakh का लोन पे कर दिया चेंग ने ये लोन लिया था एचएल से प्रीवियस एम्प्लॉयर से इसने ये लोन लिया हुआ था
फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, किसके लिए? घर की कंस्ट्रक्शन के लिए. ऑन 1 जुलाई 2019 जब उसका घर हुआ था और द हाउस वॉज उसने रेंट पे दिया. अब यहाँ पे ये पॉइंट मजे के, लोन का बेनिफिट यहाँ भी ऐड करना है, लोन का बेनिफिट यहाँ भी ऐड करना है हमने, क्योंकि प्रीवियस एम्प्लॉयर था आपने, उसने लोन किससे लिया हुआ था? HL से लिया हुआ था जो इसका प्रीवियस एम्प्लॉयर था, और 3 माह तक वो उसकी एम्प्लॉयमेंटशिप में रहा है. तो 3 माह का इंटरेस्ट बेनिफिट हम यहाँ पे ऐड करेंगे. और इसने क्या किया है, ये लोन उसके बिहाफ पे कर दिया, तो इसका बेनिफिट भी क्या होगा, उसकी इनकम में ऐड किया जाएगा. ठीक है, तो ये इसमें सिर्फ पॉइंट था जो चेंज था, जो आप इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे. मतलब कितना लोन है? 3.8 मिलियन ना, तो आप करेंगे 3.8 मिलियन, इंटरेस्ट फ्री था, मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12 करेंगे, ये इंटरेस्ट बेनिफिट जाके आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, बिकॉज लोन किसका था? HL का था. और जो नया एम्प्लॉयर आया है उसने क्या किया, उसने एज पर द टर्म्स इसका सारा जो लोन पेएबल था वो इसने क्या कर दिया, इसको पे कर दिया है, लाइबिलिटी ख़त्म करवा दी है. ये किसका सीन है? लोन वेव ऑफ वाला. तो जो लोन वेव ऑफ किया है कितना, 38 लाख रुपए का, वो क्या हो जाएगा, इसकी यहाँ पे इनकम में ऐड हो जाएगा. अगर आपको याद हो हमने ये पढ़ा था सिनेरियो लोन वेव ऑफ में, कि एम्प्लॉयर अपना खुद का लोन वेव ऑफ कर देता है, या अगर आपने किसी से लोन लिया हो और वो लोन सारा उतार दे, तो वो भी बेनिफिट क्या होगा, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा. तो इस तरह सारा आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी और रेट निकाल के टैक्स निकाल सकते हैं. इज दैट क्लियर? ये सवाल था. ये करके फेल हुए? शर्म नहीं आ रही ये सवाल करके यार? रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनता, सैलरी का पार्ट नहीं बनता. तो भाई ये लिखा है यहाँ पे ऐड करना है इसमें. यार ये करके तू भी फेल हुआ, इसमें क्या गलती की थी, सवाल ही नहीं किया था. सर पेपर से बाहर निकले, यूएन पहुंचे थे तो पता चला 30 सितंबर लिखा हुआ है, हमने 12 पे किया. चलो जी, क्वेश्चन नंबर 17 ऑटम 22 का, ये भी अच्छा सवाल है, कर ले जल्दी कर ले. फिर उसने हमें यहाँ पे गिवन किया सवाल में आउटस्टैंडिंग, इतना उसका लोन रीपेबल था. उसने हमें ये नहीं कहा कि ओरिजिनल लोन, आउटस्टैंडिंग के इतना लोन उसका रीपेबल था, हमने उतना ही पे कर दिया. आउटस्टैंडिंग का वर्ड लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 17, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा ये. अभी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं है तो उसे छोड़ दिया मैंने पॉइंट. यार मुझे फिर अफसोस हो रहा है, ये सवाल करके फेल हुए हो. कोई शर्म, इस पर एक मशहूर कॉल है बुजुर्ग का, कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है. एक ग्रेस वो है जो पीकी ब्लेंडर वाली, वो वाली नहीं, उसके अलावा वाली. कहाँ पे की है 95 इसका? तो भाई ये इंटरेस्ट बेनिफिट यहाँ पे ऐड होने, 3 माह का इंटरेस्ट. उसने 38 लाख रीपे किया है, वो उसकी इनकम में जाएगा वहाँ से. क्यों माइनस होगा? वो लोन की रीपेमेंट है, इंटरेस्ट की रीपेमेंट नहीं है. ये बेनिफिट इंटरेस्ट का है, लोन का नहीं है. इंटरेस्ट सूद, सूद खाया है. वाह भाई बड़ा अफसोस हो रहा है. चलिए जी क्वेश्चन नंबर 17 करें हम. ये वो देख, वो कहीं बैठा हुआ है. कहाँ पे हो? नहीं इससे कह रहे हैं, पीछे देख रहे हैं. कहाँ पे बैठे हो? आप क्लास में नहीं हो, मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ. हाँ नहीं, आप क्लास में नहीं है.
तू कहीं और बैठा होगा यार, निकल आज उसके ख्यालों से, वो कहीं और बैठा होगा, कहीं सोच रहा है, डीप थॉट्स सोच रहा है कि हाफिज साहब अगर मुझे पकड़ लें कितना मारेंगे। बिठा दूँ अब, चले हमने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है पूरा। क्वेश्चन नंबर 17, ऑटम 22 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ऑटम 22 का अच्छा क्वेश्चन है ये भी। रिक्वायरमेंट है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू नासिर फॉर द टैक्स ईयर 2023। नासिर के लिए हमने सारा कुछ ये क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये मजे का सवाल है। इसकी जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ना कंबाइन वाली, वो एक ही एडजस्टमेंट है, बस बड़ी मजे की है। तो नासिर हैज़ बीन वर्किंग एज अ हेड ऑफ फाइनेंस इन आसाइश प्राइवेट लिमिटेड, APL में काम कर रहे हैं। ही रिसीव फॉलोइंग मंथली इमोलमेंट्स फॉर APL ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2023। ये उसे कुछ मंथली बेनिफिट्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं। सैलरी कितनी है बेसिक, 800,000 पर मंथ है। आप इसे क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनकम में ऐड कर देंगे, मेडिकल अलाउंस पड़ा स्टार कर देंगे, तलाश करेंगे मेडिकल फैसिलिटी को, अगर गिवन हुई तो अलाउंस टैक्सेबल टोटली हो जाएगा, अदरवाइज इसको हम लेके चलेंगे नॉर्मल। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी क्या होता है, टोटली टैक्सेबल होता है। तो इन एडिशन टू द अबव, इसके अलावा APL also provided him the following benefits, ये कुछ benefits जो हैं APL ने provide किए हैं। Residential house owned by APL for no rent, एक घर है APL का जिसका कोई rent नहीं है, free में दे दिया है। The fair market value of the rent was ₹300K per month, accommodation दी गई है free में, benefit निकालना। तो क्या rule होगा, हम compare करेंगे 45% of basic salary और फेयर मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पे हमें गिवन है फेयर मार्केट वैल्यू 300,000 इंटू 12 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू आ जाएगी। दोनों को कंपेयर करूँगा, जो हायर अमाउंट होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, सैलरी में ऐड हो जाएगी। उसके बाद कंपनी मेंटेन्ड कार, द कार वॉज एक्वायर्ड ऑन लीज। जब लीज का वर्ड आ गया तो कौन सा वर्ड देखेंगे हम, फेयर मार्केट वैल्यू। गाड़ी लीज पे कब ली थी, 1 जुलाई 2021 को, एट अ एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ ₹1.1 मिलियन। रेंट कितना है एनुअल, 1.1 मिलियन। क्या एनुअल रेंटल या लीज रेंटल रेलेवेंट है हमारे लिए, तो ये क्या हो जाएगा, लीज रेंटल टोटली इग्नोर हो जाएगा, इसको तो हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार एज ऑन 1 जुलाई, जिस दिन लीज पे ली थी गाड़ी उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू 4 मिलियन थी और 30 जून को क्या है, 6 मिलियन है। उसने अगर कह दिया गाड़ी, द 70% ऑफ कार इज़ यूज फॉर ऑफिस पर्पज़ एंड 30% इज़ यूज फॉर पर्सनल पर्पज़, परसेंटेज जितनी मर्जी हो, हमें पता है बॉस पर्पज़ के लिए हम क्या लेंगे, 5%। किस वैल्यू का, 4 मिलियन का हम 5% लेंगे और ये क्या करेंगे, आपकी इनकम में ऐड कर देंगे। फिर है 250 लीटर ऑफ फ्यूल एवरी मंथ, द एवरेज पेट्रोल प्राइस ड्यूरिंग द ईयर वॉज 180 पर लीटर। यहाँ पर 60-30 का स्प्लिट इस्तेमाल होगा, कैसे, हम उसको 250 लीटर पेट्रोल हर मंथ दे रहे हैं। अब पेट्रोल की प्राइस क्या है, 180 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आ जाएगा सालाना पेट्रोल की कीमत। अब इस सालाना पेट्रोल में से 30% पेट्रोल जो है वो उसके प्राइवेट पर्पज़ में भी इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका 30% लेंगे, क्या बेनिफिट आएगा, ये जो 162,000 है ये इसकी इनकम में ऐड होगा इस पेट्रोल का बेनिफिट के तौर के ऊपर। जो उसने ऊपर 70-30 इस्तेमाल किया था उसकी एप्लीकेबिलिटी जाके हमने इस रूल में करनी थी जो उसने हमें पेट्रोल प्रोवाइड किया है। इज दैट क्लियर। उसके बाद है रीइंबर्समेंट ऑफ कार मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अप टू 20,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, APL रीइंबर्स 150,000 टू हिम इन दिस रिस्पेक्ट, कि मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं, उससे कहा है कि हम आपको 20,000 पर मंथ तक क्या है गाड़ी के पैसे वापस कर दिया करेंगे। अब गाड़ी बोथ पर्पज़ पर इस्तेमाल हो रही है, अगर ये गाड़ी होती ना सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पर्पज़ के लिए तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को मैं ऐड कर देता, अब बॉस पर्पज़ के लिए है तो ये क्या हो जाएंगे, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इग्नोर हो जाएंगे। अब एज पर द कॉन्ट्रैक्ट कितनी है उसको अमाउंट अलाउ की है हमने, हमने इसको कहा है 20,000 पर मंथ, के अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हम आपको 20,000 पर मंथ के हिसाब से 12 करें तो कितना बनता है, 240,000 तक के मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हम आपको बेयर करवा देंगे। एक्चुअल कितने हुए हैं,
1.5 लाख हुए हैं, और ये गाड़ी के हम एक्सपेंसेस क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, इनको ट्रीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये 240 से अबव जाते ना, फिर क्या होना था, हम इसको जितने ओवर एंड अबव होते वो हम अपने सैलरी में ऐड कर रहे होते। उसके बाद है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर नासिर एंड हिज डिपेंडेंट्स। अब ऊपर मेडिकल अलाउंस है, नीचे आ गई है हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है और ये उसने प्रीमियम उसका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो मेडिकल इंश्योरेंस क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और जो मेडिकल अलाउंस है वो क्या हो जाएगा, टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद है एडहॉक रिलीफ, उसको दिया गया है इक्वल टू 1 मंथ बेसिक सैलरी, कीपिंग इन व्यू द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, के महंगाई की वजह से उसको 1 माह की सैलरी हमने इजाफा दी है, तो उसकी जो सैलरी है 8 लाख रुपया, हम क्या कर देंगे, बीइंग एन एडहॉक रिलीफ हम ये भी ऐड कर देंगे और ये टैक्सेबल होगी 8 लाख रुपया। डी एन एस अलाउंस पर मंथ मिलता है, एडहॉक रिलीफ सिर्फ 1 टाइम दिया गया, एक ही दफ़ा इसी वक्त 1 मंथ की सैलरी अलाउंस है, तो सैलरी टैक्सेबल है, ऐड हो जाएगा। उसके बाद है नासिर इनकर्ड अ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ₹20,000 फ्रॉम July 2022 टू November 2022 वाइल वर्किंग फ्रॉम होम अंडर कोविड गाइडलाइंस इशूड बाई APL मैनेजमेंट। तो वो तो उसने खर्चा किया ना घर से काम, वर्क फ्रॉम होम का, तो सैलरी में तो एक्सपेंसेस अलाउ होते ही नहीं है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। इसकी जो टैक्स की डिडक्शन हुई है वो कितनी है, 45 लाख रुपया। टोटल सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे, टैक्स निकालेंगे, उसमें से हम ये चीज़ लेस करवा देंगे, तो इसका टैक्स आ जाएगा कितना पेएबल बनता है। ये सवाल क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम? हाँ, ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। चौथी वाली क्योंकि उसको हमने क्या, कार मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, कार की मेंटेनेंस करनी, उसके एक्सपेंसेस वगैरह, अब गाड़ी बहुत पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है, हमें नहीं पता, और उसमें से 70% एक्सपेंसेस जो हैं वो किससे हैं, हमारे बन रहे हैं ऑफिशियल यूज़ के लिए, तो उसको हमने कितने अलाउ किए हैं, 240। इस 240 की का 70% ने क्या आता है, 240 का 70% क्या आता है, 1। इस 240 में से 1,68,000 तक के जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो है ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए, वो तो हम पे कर रहे हैं, ठीक है, और हमने से कितने वापस किए हैं, 1.5 लाख, तो इसका मतलब वो तो ऑफिशियल ड्यूटीज़ के ही सारे वापस किए हैं, इसका उसे कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना, तो वो इसकी इनकम में ऐड हम नहीं कर रहे होंगे, तो जाहिर बात है अगर वापस हो रहा तो पोर्शन होंगे। अगर 70-30 ना गिवन किया होता ना, फिर मैं पोर्शन ना कर रहा होता, जब उसने मुझे बता दिया है कि गाड़ी 70% इस्तेमाल हो रही है ऑफिशियल यूज़ के लिए, तो मुझे वो खर्चे भी वापस कर रहा है, तो टोटल में से 70% किसका होगा, ऑफिशियल का ही होगा, और जो मुझे वापस किया गया वो 150 है, अलाउ मुझे कितना था, 168 तक था, अंडर द लिमिट है, तो इसलिए ये एग्जेम्प्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 स्प्रिंग 22 का, अभी नहीं मिलेगी, 15 मिनट बाद मिलेगी, 15 मिनट की ब्रेक, 15 मिनट के बाद मिलेगी। इसकी एडजस्टमेंट नंबर 2 वन ऑफ द बेस्ट एडजस्टमेंट है एम्प्लॉय शेयर स्कीम की। उसे एक पहला 16वां रिक्वायरमेंट है इसकी, कहते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्स पेबल बाय या रिफंडेबल टू बासित फॉर टैक्स ईयर 2023। बासित की आपने टैक्सेबल इनकम, टैक्स पेबल, टैक्स रिफंडेबल वगैरह जो है आपने कैलकुलेट करना है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन, ये अभी डेट हम इग्नोर कर रहे हैं। कहते हैं जी बासित जो है वो एक सीनियर मैनेजर है मास्टर लिमिटेड का, और उसने रिज़ाइन कब कर दिया है, 31 जनवरी 2023 को। इसका मतलब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे कितने मंथ्स की, 7 मंथ्स की कैलकुलेशन जो है वो हम यहाँ पे कर रहे होंगे। उसने रिज़ाइन किया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3.5 ईयर ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2023। ही रिसीव फॉलोइंग इमोलमेंट्स फ्रॉम ML, उसने ये बेनिफिट्स जो हैं वो रिसीव किए हैं, क्या, सैलरी ऑफ ₹6,10,000 पर मंथ, कितने मंथ्स की लेंगे, 7 मंथ्स की। अलाउंस ऑफ ₹60,000 पर मंथ फॉर सर्विसेज ऑफ
डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए उसको 60,000 पर मंथ जो है वो अलाउंस दिया जा रहा है, आउट ऑफ विच ही पेड 36,000 पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज सर्विसेज। क्या ट्रीटमेंट करेंगे? लेस क्या करेंगे? लेस क्या करेंगे? क्यों? जब उसने बड़ा क्लियरली लिख दिया कि मैं आपको 60,000 पर मंथ अलाउंस दे रहा हूँ, अगर आप इसमें से फिर भी लेस करवाते हैं ना, फिर आप ये नहीं कह सकते मुझे कि आप क्यों फेल कर रहे हैं। क्या आप बताएं? जब मैंने उससे पहले लिखवाया है कि अलाउंस में से कभी एक्सपेंस लेस नहीं हो सकता, वो लिखा हुआ है आपने? कहाँ लिखा है बताएं कहाँ लिखा है आपने? ना, वो थर्ड टाइम यही बात कर रहे हैं, अलाउंस के था, बताइए खोले ज़रा, क्या ये लिखवाया था अलाउंस के ऊपर कभी भी एक्सपेंस लेस नहीं होता? तो फिर क्यों कर रहे हो ये? मेडिकल अलाउंस में से एक्सपेंस लेस करते हैं हम? ये एक्सपेंस लेस होता है मेडिकल अलाउंस में से? ये एक्सपेंस है? बता भाई कहाँ क्यों कर रहा है? तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? 60,000 × 7 करेंगे और सैलरी में ऐड कर देंगे। फिर उसने कहा है अलाउंस इक्वल टू 5% ऑफ सैलरी सोलली एक्सपेंडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सैलरी का 5% जो है हम उसको देंगे सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीज वगैरह परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयमेंट की। बताएं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ये अलाउंस आपको ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए दिया जा रहा है, एग्जाम्ड के टैक्सेबल, ये अलाउंस टैक्सेबल है। अब यहाँ पे रूल लिखें, इस सवाल के ऊपर रूल लिख लें या उस जगह पे रूल लिखें कि जब भी आप रिवाइज करने जाएं तो ये रूल आपको सबसे पहले नज़र आए, ठीक है? अगर आपको ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने का अलाउंस ड्यूटी करते हैं तो मिलता है, मतलब काम किया TADA, जैसे TADA की बात करते हैं, आप काम पर जाएंगे तो दिया जाएगा, वो सिर्फ उस काम को परफॉर्म करने के लिए मिल रहा है ना, तो वो हमेशा एग्जेम्प्ट होता है। अगर आपको कोई भी ऑफिशियल अलाउंस उस काम को परफॉर्म करने के लिए मिलेगा तो वो क्या होगा? हमेशा एग्जेम्प्ट होगा। अगर कोई स्पेशल अलाउंस या कोई भी अलाउंस जो आपको ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए मिल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर वर्क, काम हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन फिक्स अमाउंट आपको मिलती जा रही है, बेशक वो ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए मिल रही है, वो टैक्सेबल होगी। जैसे इस केस में वो कोई ऑफिशियल काम करे या ना करे, उसको 5% अलाउंस तो मिलना ही मिलना है, बेशक उसको आपने 2 महीने किसी बाहर के काम के लिए भेजा ही नहीं है, फिर भी क्या देंगे? उसको अलाउंस दे रहे होंगे। अगर आपको ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए या कोई भी स्पेशल अलाउंस मिल रहा है या किसी किस्म का भी अलाउंस मिल रहा है जो फिक्स है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर वर्क, तो वो क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको काम के लिए मिला, जी आपने जाना है ये काम करके आना है, आपको अलाउंस दे दिया गया है, वो जो वन टाइम मिला है वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। यहाँ पे एग्जामिनर जो है वो खेल रहा होता है, एग्जामिनर खेलता है यहाँ पे। एक मिनट, अब यहाँ पे होती है कॉमन सेंस, जो कॉमन नहीं होती कॉमन लोगों में। टोटल अलाउंस, टोटल सैलरी कितनी है उसकी, क्या मिल रहा है उसका? 5%। कोई काम किया? कौन सा काम किया आपने? क्यों मिल रहा है आपको अलाउंस? कौन सा काम किया है? आपको मिलना भी नहीं है, वर्दी होना पड़ता है उसके लिए। आपको मिला है ना? मुझे बहुत मिलती है अलाउंस, अल्लाह का शुक्र है, वर्दी है तो मिलती है ना, वर्दी देखा। अगर मैं जॉब करूंगा पठान में तो बुरा मान देगा कि रेसिस्ट है बड़े पंजाबी, वो तो है। हाँ तुम्हें पास, अब आपको कहना है बंदा आप हमारा पूरा मुल्क खा गया लूट के। मतलब आप जहाँ देखते हैं वहाँ DHA बन जाते हैं। वो DHA नहीं बनवाने दे रहे, नहीं इसलिए तो वहाँ ये लिख ली है पेपर में। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ अ वर्क, मतलब कोई काम के बारे में नहीं बताया कि जैसे जी ये काम करना है, आपको इसका अलाउंस दे दिए, वो जो अलाउंस मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट है। आप फॉर्म में कल को जाएंगे, पता नहीं कब, 750 साल बाद चले जाएंगे,
जब आप फर्म्स में जाएंगे, जिस दिन आपको क्लाइंट पे भेजेंगे तब आपको देंगे 250 रुपया, 350 हो गया, तो 375 लेनी, 375 रुपीस देंगे, जिस दिन काम पे जाएंगे मिलेगा, जब नहीं जाएंगे तब नहीं मिलेगा। तो ये क्या होता है, एग्जेम्प्ट है। अगर किसी अच्छी फर्म पे गए और उन्होंने आपको भेजा यूएई से अकाउंटमेंट के ऊपर, और फिर आपको 80,000 पर मंथ देते हैं सिर्फ ट्रैवलिंग अलाउंस, हाँ, जहाँ पे आप लोग नहीं जा सकते और जहाँ पे सिर्फ ट्रैवलिंग का आपको 80K मिलता है और अकोमोडेशन फूड सारा फ्री होता है, वहाँ के भी ख्वाब देखने होते हैं भाई। तुम्हारे 16,700 वाले ख्वाब हैं, उसमें से 350 की तुम TADA लोगे, उसमें से भी करोगे करप्शन करोगे, जब बिल बिल माने जाओगे तो 1350 कर दोगे 350 को। SNGPL की स्टाइपेंड है 48,000, SSGPL की स्टाइपेंड है 65,000 मुसक्खर में। क्या इंडस्ट्री की स्टाइपेंड ज़्यादा है? निषाद पे 80 मिलता है स्टार्टिंग पे, नहीं अलाउंसेस वगैरह डाल डूल के सारा। हाँ होता है, इंडस्ट्री वाले आपको मुंह नहीं लगाते, मसला ये है इंडस्ट्री वालों का क्राइटेरिया होता है प्योर मेरिट के ऊपर, वहाँ पे सिफारिशें वगैरह कम चलती हैं, वरना आपका ये AB अलाइड बैंक का हेड ऑफिस है, यहाँ पे आर्टिकल्स हो रहे हैं, मिज़ान में हो रहे हैं अब। लेकिन इंडस्ट्री के कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं, कि आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक होकर रह जाते हैं, आप उसके बाद करियर में किसी और जगह मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में आर्टिकल्स किए हैं, फिर आप पूरी ज़िंदगी बैंक में काम कर पाओगे, आप दूसरी ऑडिट फॉर्म्स में नहीं जा सकते। इंडस्ट्री के आर्टिकल्स करने के बाद कभी भी आप अपनी ऑडिट फॉर्म नहीं खोल सकते। आप फॉर्म्स खोल सकते हैं, एडवाइजरी की खोल सकते हैं, टैक्स की खोल सकते हैं, बट कभी भी आप अपनी ऑडिट फॉर्म रन नहीं कर सकते जब तक आपको एक साल का वो ना हो एक्सपीरियंस। तू बेटा पेपर पास कर ले पहले, तू वो ख्वाब देख, तू कर सकता है, तू देख मैंने अलाउंस सैलरी में कैसे ऐड करना है। उसके बाद है एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या, तो ये टैक्सेबल है। अगर आपको कोई भी स्पेशल अलाउंस, फिर अब उर्दू में बताता हूँ, ठीक है, अब उर्दू में, अगर आपको कोई भी स्पेशल अलाउंस इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टास्क, काम का नहीं पता, फिक्स अमाउंट मिल रही है, अब वो अमाउंट मिल सकती है या परसेंटेज, जैसे यहाँ पे क्या है परसेंटेज, वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी, वो सैलरी में ऐड हो जाएगी, बिकॉज आपको नहीं पता काम होना है या नहीं होना, आपको अलाउंस मिल गया है और आपको आपको गाड़ी लग गई है, आप चले गए ICU में, अलाउंस आपको मिलता रहेगा, काम हमेशा कोई ना करें, आपको अलाउंस मिल रहा है, आपकी टांग टूट गई है, आप 6 महीने घर बैठे रहे हैं, अलाउंस मिलता रहेगा आपको, काम नहीं करवा रहा वो आपसे, तो ये जो अलाउंस मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वो काम का बता देता है कि ये काम है 1 महीने का, ये करके आओ तो मैं आपको दे दूँगा स्पेशल अलाउंस, वो अलाउंस एग्जेम्प्ट जो अभी हमने से पहले पढ़ा था, उसमें 50,000 था सिर्फ 1 महीने का अलाउंस, जो उसने ड्यूटी परफॉर्म की थी उसका दिया गया था, उसमें से उसने 40 खर्चा किया, 10,000 बचा गया था, जो 10 आपने ऐड करवाने की कोशिश की थी, वो सिर्फ वन टाइम था, सिर्फ और सिर्फ वो उस काम को परफॉर्म करने के लिए दिया जा रहा था, इसलिए वो एग्जेम्प्ट था। ये फिक्स मिल रहा है और यहाँ पे हमें काम का नहीं पता, इसलिए क्या है ये टैक्सेबल है। ये पॉइंट पेपर में आपने बस याद रखना है। उसके बाद है 1 जुलाई को ही लीज द कार हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज़ 4.8 मिलियन एट अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज़ 120K। ही पेज लीज रेंटल फ्रॉम हिज ओन सोर्सेज बट ही हैज़ यूज व्हीकल फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। बताएं जी क्या ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट है इस, क्या बताएं जी इस पे, बच्चों ने इसका ट्रीटमेंट लिया हुआ है बकायदा, क्या ट्रीटमेंट है। हमने पढ़ा था कि गाड़ी एम्प्लॉयर देगा तो बेनिफिट लेंगे, यहाँ पे गाड़ी तो आपकी अपनी है, आप अपनी गाड़ी कंपनी में लगा के बैठे हुए हैं तो ये बेनिफिट तो कोई नहीं है, इसलिए इसको तो हम करेंगे इग्नोर, इसका कोई ट्रीटमेंट हम नहीं ले रहे होंगे। फिर चलते हैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम के ऊपर, ये मज़े की एडजस्टमेंट है एम्प्लॉय शेयर स्कीम। ऑन 1 जुलाई 2022 13,000 शेयर्स ऑफ ML वर अलॉटेड टू बासित
अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। तुम पीछे से आ जाओ, बस पिछले गेट से आना है। सारे ये खूनखार भेड़िए बैठे हैं, लालची पटवारी सारे के सारे, पीछे बैठ जाओ। अभी बस सवाल कंप्लीट कर लूँ मैं। अमीर आदमी ना ये, गरीब लोग ये सारे बिकेंगे पटवारी बिरयानी हो गए। यार अबरार ये बंदा एग्जेम्प्ट है, मजाक के अलावा इसको नहीं देना हमने। अब ये सवाल कंप्लीट कर लें फिर आप कर लीजिएगा अपने। ओ भाई सवाल कर लें। ये आप लोगों की जमीर की आवाज़ है, एक एक प्लेट बिरयानी बिक रहे हो। मतलब आप लोग चाहते हैं कि मैं एक सवाल छोड़ दूं, आप लोग बिरयानी खाएं, पेपर फेल हो जाए। अटेम्प्ट अपनी स्टेक पर लेके जाए एक प्लेट के पीछे। अच्छा 13,000 शेयर्स मिले थे, पेमेंट कितनी है 30 पर शेयर, कितनी कॉस्ट पे कर रहा है वो 30 पर शेयर पे कर रहा है। अकॉर्डिंग टू स्कीम ही वॉज नॉट अलाउड टू सेल ट्रांसफर द शेयर अप टू 31 दिसंबर 2022। शेयर्स कौन से हैं? रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स हैं। कब तक हम नहीं बेच सकते? 31 दिसंबर 2022 तक। और 31 मई 2023 इसने 5,000 शेयर्स बेच दिए फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर। अब वो जो बेच दिए हैं वो जाना है कैपिटल गेन में, लेकिन हमने बेनिफिट कौन सा निकालना है? इनकम फ्रॉम सैलरी में। अब इनकम फ्रॉम सैलरी का बेनिफिट निकालने के लिए जिस दिन रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हुई है उस दिन की लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू, वो क्या है 90। यहाँ पे इसको 2022 कर लें, वो 21 लिखा होगा, ठीक है 90। कितने शेयर से कितनी आएगी? कितनी 1.17। इसमें से लेस करेंगे आप कॉस्ट 3,90,000, कितनी बनती है 3,90,000। ये बेनिफिट आएगा, ये बेनिफिट क्या करेंगे आप एम्प्लॉय शेयर स्कीम में ऐड कर देंगे। हाँ जी बर्दाश्त नहीं हो रही, एक एडजस्टमेंट रह गई है। ना ना ना, लास्ट एडजस्टमेंट ऑन 15 फरवरी 2023 ही रिसीव्ड फॉलोइंग पेमेंट्स फ्रॉम ML एज अ फाइनल सेटलमेंट। 3,20,000 मिला उसको लीव इन कैशमेंट का, ये क्या हो जाएगा टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। 2,20,000 मिला है ग्रेच्युटी स्कीम अप्रूव बाय बोर्ड, 22,00,000 है ये अप्रूवल बाय बोर्ड है, ये क्या होती है। और 7,00,000 मिला है एरियर्स का, एरियर्स अक्रूवल बेसिस पे हैं लेकिन टैक्स पे है ना इस साल मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसकी इनकम में ऐड हो जाएंगे। इसका टैक्स विद होल्डिंग जो है वो कितना है 1.4 मिलियन है, वो क्या होगा वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसने हमें कहा नहीं है कि आप उसको टैक्स करवाएं, ना मुझे लास्ट ईयर का टैक्स का रेट पता है। अगर पता होता तो मैं इस 7,00,000 की अमाउंट को उस साल टैक्स करता, ये इसी साल रिसीव हुई है तो इसी साल इसको लेके चलेंगे, तो हम इसको पिछले साल ट्रीट करते वहां लेके जा रहे होते, ठीक है ये क्लियर है। एक और सवाल, अगला सवाल है